नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। गोपालगंज में पहले की ही तरह बीजेपी की जीत हुई है, तो उसी प्रकार मोकामा में पहले की ही तरह अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने एक बार फिर से झंडा लहराया। लेकिन हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जो कि गोपालगंज में हार मिलने के बाद भी काफी खुश हैं और बीजेपी को डरा रहे हैं। क्या कहकर डरा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि गोपालगंज में जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में हम 40,000 वोटों से हारे थे, तो वहीं इस बार लगभग 2,000 वोटों से हम हारे हुए हैं और ये कहकर डरा रहे हैं बीजेपी को कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यकीन रखिए, भरोसा रखिए, हम आपको 20,000 के अंतर से हराने वाले हैं। तो ये बात तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के लिए कही और गोपालगंज में मिली हार के बाद भी तेजस्वी यादव काफी खुश इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हार का अंतर है वो काफी कम कर दिया, हार जीत का अंतर काफी कम कर दिया है। और कुछ कारण अगर नहीं हुए होते, कुछ फैक्टर और काम नहीं कर रहे होते गोपालगंज के उपचुनाव में, तो हो सकता था कि तेजस्वी यादव की यहां भी जीत हो गई होती। लेकिन बहरहाल नतीजे सबके सामने हैं, गोपालगंज और मोकामा की तस्वीर जो है वो अब साफ हो चुकी है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी खुश हैं और बीजेपी को ये कहकर के डरा रहे हैं कि जहां हम 40,000 से हारे थे वहां 2,000 से हार हुई है। मतलब समझिए, आपका वो फैक्टर भी काम नहीं कर पाया जब आप ये कहते थे कि किसी खास वोट पर हमारा विशेषाधिकार है, वो वोट जो कहीं नहीं जाएगा हमें ही मिलेगा, वो वोट भी इस बार हमने आपसे लिया है, हमने आपके उस वोट बैंक में सेंधमारी की है और कहीं ना कहीं हमारा प्रयोग भी सफल रहा है। परोक्ष रूप से ही सही, मोहन गुप्ता की ओर तेजस्वी यादव का इशारा था और वो कह रहे थे कि हमारा प्रयोग इस बार सफल रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि गोपालगंज की जनता ने भाजपा के इस दावे को झुठला दिया कि समाज के कुछ वर्ग उसके निष्ठावान मतदाता रहे। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने अपनी मामी इंदिरा यादव के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गोपालगंज से चुनाव लड़ा और करीब 9,000 वोट हासिल भी किए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली MIM पार्टी के लिए भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। इस दौरान लोगों को उम्मीद थी, मीडिया के जो कर्मी थे उन्हें ये उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव MIM और BSP के फैक्टर पर कुछ कहेंगे, अपने मामी के चुनाव लड़ने पर कुछ कहेंगे। क्या यही फैक्टर था जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के प्रत्याशी थोड़ा पिछड़ गए? खैर, इस पर तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन गोपालगंज में जिस प्रकार तेजस्वी यादव की पार्टी की हार हुई है, उससे भी पार्टी के तमाम नेता ज्यादा दुखी नहीं है। बीजेपी को चिंतित होने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो अब सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि गोपालगंज में इतने कम अंतर से जो हार है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रूप लेगी, किस प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आएगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये मंथन बीजेपी को करना चाहिए। और यही सलाह जो है तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं और यही कहकर बीजेपी को डरा भी रहे हैं। अब देखने वाली बात है बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया है आने वाले दिनों में दिखा देंगे कि कितना अंतर से जीतते हैं और कितना मार्जिन से आप हारते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।